बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6। यह एक कविता है, कविता का नाम है हमसे सब कहते। ये कविता जो है श्री निरंकार देव सेवक द्वारा लिखी गई है। श्री निरंकार देव सेवक द्वारा रचित कविता हमसे सब कहते बच्चों के मन की पीड़ा को प्रस्तुत करती है। घर के सभी बड़े सदस्य बस उन्हें यही कहते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ पे कूड़ा मत फैलाओ, ये मत गिराओ। बच्चों को समझ में नहीं आता कि वे क्या करें और क्या ना करें, कहाँ जाएं। उन्हें लगता है कि सारी डांट बस उन्हें ही पड़ती है। बच्चों, आपको भी क्या ऐसा ही लगता है? तो चलिए पढ़ते हैं ये कविता। पर कविता पढ़ने से पहले थोड़ा कठिन शब्द बोलते हैं, फिर शब्दार्थ कविता का, जिससे पाठ को समझने में, कविता को समझने में आसानी होगी। अम्मा, अम्मा, खेल खिलौने, खेल खिलौने, खबरदार, खबरदार, डांट, डांट, तो अब चलिए थोड़ा सा इसका अर्थ देखते हैं, इस कविता का। सूर्य, सूर्य का मतलब होता है सूरज। चांदनी, चांदनी का मतलब है चांद के निकलने पर फैलने वाला प्रकाश। चांदनी का क्या मतलब है? चांद के निकलने पर फैलने वाला प्रकाश। खबरदार मतलब सावधान, खबरदार, सावधान। जलधार, पानी की धारा, जलधार, पानी की धारा। बस चलता, जोर चलता, बस चलता, जोर चलता। चलिए पहले कविता का पाठ करते हैं, कविता रीड करते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, बादल से कहता को कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भाग जाओ, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भाग जाओ, अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भाग जाओ, अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो, पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट बताए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट बताए, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए,
हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए। एक बार फिर से इस कविता को रीड करते हैं, मेरे साथ गाइए। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, कोई नहीं कहता क्यों फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भाग जाओ, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ ना आओ भाग जाओ, अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट बताए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट बताए। तो चलिए अब इस कविता का भावार्थ आपको बताते हैं। बच्चा कहता है सब कोई हम लोगों को डांटता रहता है, कोई सूरज से क्यों नहीं कहता है कि यहाँ पे धूप मत फैलाओ, यहाँ पे धूप मत लाओ, कोई चंदा मामा से भी नहीं कहता है कि उठाओ अपना चांदनी चांद वाला प्रकाश ले जाओ यहाँ से, कोई चंदा मामा से भी नहीं कहता अपना चांदनी यहाँ पर मत फैलाओ, ना सूर्य से कोई कहता है कि अपना धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई हवा से भी नहीं कहता है कि हवा तू अंदर मत आना, कोई हवा से नहीं कहता है कि तुम दरवाजे के अंदर से मत आना, बादल से भी कोई नहीं कहता है कि यहाँ पे पानी क्यों बरसा रहे हो, बादल से कभी कोई कहता है कि यहाँ पे पानी मत बरसाओ, भैया तो फिर जब कोई सूरज से नहीं बोलता, चंदा से नहीं बोलता, हवा से नहीं बोलता, बादल से नहीं बोलता, फिर भैया हमसे क्यों कहते हैं कि यहाँ मत आओ भाग जाओ, यहाँ से जाओ भाग जाओ, अम्मा कहती रहती हैं कि घर पूरे घर में खिलौने मत फैलाओ, जगह जगह तुम खिलौने फहराते रहते हो, और पापा क्या बोलते हैं, पापा बोलते जाओ बाहर जाके खेलो, खबरदार यहाँ पे अंदर आए जो तुम बाहर जाके खेलो, बाहर जाके शोर करो, यहाँ पर मत आना, और सबका बस जो है ना अपने ही सब अपने ही ऊपर चलता है, और जो भी जिसका भी मन करता है वो अपने को डांट देता है। तो बच्चों आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है क्या, कैसी लगी आपको ये कविता?